नमस्कार, लोकल वेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप लोकल वेल ऐप में स्लो और नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट और रिटर्न आखिर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको टॉप से देखिए फिफ्थ ऑप्शन दिया गया बिजनेस रिपोर्ट्स, आप इस पे क्लिक करें। बिजनेस रिपोर्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा स्टॉक रिपोर्ट्स, आप इस पर आ जाएं। स्टॉक रिपोर्ट्स में आपको मल्टीपल कैटेगरीज दी गई है और इसमें देखिए सेकेंड ऑप्शन है स्लो मूविंग स्टॉक प्रोडक्ट्स, तो आप इस पे क्लिक करें। अब स्लो मूविंग स्टॉक प्रोडक्ट्स पे आने के बाद जो भी आपके ऐसे प्रोडक्ट्स है जो या तो सेल नहीं हो रहे हैं, जो सेल हो भी रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी काफी कम है, उन्हें हम स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे उन सभी प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी और यहीं पर देखिए आपको उस प्रोडक्ट की एज भी बताई गई है, प्रोडक्ट एज इन डेज। प्रोडक्ट एज का मतलब है कि जिस दिन आपने उस प्रोडक्ट को अपने स्टॉक में एड किया था उससे लेके अभी तक का समय। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए आप प्रोडक्ट की एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि लाइक मानिए ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आपके पास रखे हुए एटलीस्ट 3 मंथ से ज्यादा का टाइम हो गया है ना। तो यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट्स दिखाएगा स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स वो 90 डेज के बाद के दिखाएगा। इसके साथ ही अब स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स की अगर बिजनेस रिपोर्ट आपको एक्सपोर्ट करनी है तो देखिए उसके लिए आपको टॉप में एक्सपोर्ट नाउ का ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आप F4 प्रेस करेंगे तो उसके बाद आप इसी बिजनेस रिपोर्ट्स को चाहे तो PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, XLS में भी कर सकते हैं। इसी बिजनेस रिपोर्ट्स को आप मेल पर भी भेज सकते हैं और इसके साथ ही प्रिंट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर इन स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स या फिर नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर को वापस रिटर्न करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए आप सबसे पहले परचेज सेक्शन में आ जाएं और यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया गया है परचेज रिटर्न, आप इस पर क्लिक कर दें। परचेज रिटर्न पे आने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, पहला है लोड एक्सपायरी और नियर एक्सपायरी आइटम, सेकंड है लोड स्लो मूविंग स्टॉक आइटम, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट की एज डिसाइड कर सकते हैं, तो देखिए उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लोड एक्सपायरी फ्रॉम, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेकंड है सिलेक्टेड। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर को परचेज रिटर्न करनी है तो आप देखिए यहाँ पर आए और उस डिस्ट्रीब्यूटर को आप यहाँ से बाय नेम या फिर GST नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने के बाद आप F2 प्रेस करके प्रोसीड करते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे उन प्रोडक्ट की सारी लिस्ट नजर आ जाएगी, आप इन प्रोडक्ट्स को चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। अब रिटर्न करने के लिए देखिए आपको प्रोसीड टू लोड किया गया है, तो अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को हम कौन कौन से प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। इसके बाद ऑल्ट प्लस एस करके सेव कर, तो इस तरीके से आप लोकल वेल ऐप में स्लो और नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट और रिटर्न कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो याद से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर ड्रॉप करें। धन्यवाद।